हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम सॉक्रेटीज पार्ट का जो है स्टडी करते हैं। ये चौथा पार्ट है क्लास 10 के प्रोज सेक्शन में। इसके लेखक हैं रोडा पावर। तो इस पार्ट में इन्होंने सुकरात के जीवन के बारे में बताया है। वो अपने लाइफ में एक महान फिलासफर थे, दार्शनिक थे और टीचर थे, अच्छी शिक्षाएं देते थे, लेकिन उनके जीवन का कैसे अंत हो गया, तो उसके सुकरात के बचपन से लेकर उसके जीवन के अंत तक की इसमें कहानी का वर्णन है। तो चलिए देख लेते हैं लाइन बाय लाइन। ये पहली लाइन देखते हैं। सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 इयर्स एगो। तो सुकरात लिव्ड रहता था इन एथेंस, एथेंस में अबाउट मीन्स हो गया लगभग 400 इयर्स एगो, 400 इयर्स माने 400 साल बिफोर मीन्स पहले। तो सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 इयर्स बिफोर। सुकरात लगभग 400 साल पहले एथेंस में रहता था। जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, बिफोर है पहले, बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, पूरे अर्थ होगा ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो फिर से बता दे रहे पूरी लाइन का। तो सुकरात ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 साल पहले एथेंस में रहता था। एज ए बॉय माने जब वह एक लड़का था, अजमिस के रूप में, या जब यहाँ होगा अजमिस जब वह एक लड़का था। ही वाज अगली, तब वह क्या था, कुरूप था। अंडर साइज माने नाटे कद का। एंड हैड ए फ्लैट नोज, और उसके फ्लैट नोज माने समतल नाक, मतलब चिपटी हुई नाक। तो एज ए बॉय माने एक लड़के के रूप में कहो, अजमिस के रूप में भी होता है, जब भी होता है एक लड़के के रूप में कहिए, या जब वह एक लड़का था। ही वाज अगली, तब वह एक कुरूप था। अंडर साइज माने नाटेकद का था, तो एक लड़के के रूप में वह कुरूप और नाटेकद का था। एंड हैड फ्लैट नोज, और उसकी नाक जो है फ्लैट में चिपटी हुई थी। तो एंड बल्जिंग आइज माने होते हैं आँख बाहर की ओर निकली हुई थी। तो कह रहे हैं कि जब सुकरात एक लड़का था, तब वह कुरूप था, नाटेकद का था, और उसकी नाक चिपटी थी और आँखें बाहर की ओर निकली हुई थी। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, उसके पिता एक गरीब स्टोन कटर माने पत्थर काटने वाले थे, पत्थर कटा जिसको कहते हैं। तो उसके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे या पत्थर कटा थे। सो ही वाज ऑलवेज, इसलिए वह हमेशा रादर सैवली ड्रेस्ड, रादर मीन्स अधिकतर सैवली ड्रेस्ड, सैवली मीन्स होता है फटे पुराने ड्रेस्ड माने कपड़े पहनकर। तो सर इसलिए वह हमेशा अधिकतर जो है फटे कपड़े पहनकर ही रहता था। तो लाइक अदर बॉयज, अन्य लड़कों की तरह, ऑफ हिज एज अपनी उम्र के अन्य लड़कों की तरह, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था। वेयर जहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स, अधिक महत्वपूर्ण पार्ट, जहाँ पर अधिक महत्वपूर्ण पार्ट या मोस्ट मीन सबसे अधिक, जहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण पार्ट वर होते थे, होते थे म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, संगीत और व्यायाम, जहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण पार्ट संगीत और व्यायाम होते थे। ही आल्सो लर्नेड, वह उसने लर्नेड में सीखा सम कुछ साइंस माने विज्ञान एंड मैथमेटिक्स माने गणित, उसने कुछ विज्ञान और गणित भी सीखा। एंड ए लिटिल, और एक थोड़ा सा अबाउट द स्टार्स, नक्षत्रों के बारे में, और थोड़ा सा नक्षत्रों के बारे में भी सीखा। बट नॉट नियरली सो मच, लेकिन नॉट नहीं, नियरली लगभग, सो मच उतना अधिक, हिस्ट्री इतिहास एंड जियोग्राफी, जियोग्राफी मतलब भूगोल, लेकिन इतिहास और भूगोल के बारे में उतना अधिक नहीं सीखा। आई चिल्ड्रेन लर्न टूडे, आज भी जितना कि चिल्ड्रेन लर्न टूडे, बच्चे आज सीखते हैं, जितना कि आज के बच्चे सीखते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर, या विचित्र, लिटिल क्रीचर मतलब छोटा प्राणी, या विचित्र छोटा प्राणी, विद द शार्क नेक, शार्ट नेक, शार्ट मीन्स छोटी, नेक मीन्स गर्दन, जिसकी गर्दन छोटी थी, एंड प्लेन फेस, और चेहरा प्लेन मीन्स साधारण था, वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारशील बालक था, चाइल्ड मीन्स बच्चा या बालक। तो कह रहे हैं कि यह विचित्र छोटा प्राणी, क्रीचर मीन्स प्राणी, प्राणी मतलब वही बालक, यह विचित्र छोटा प्राणी या छोटा बालक, विद द शॉर्ट नेक, जिसकी गर्दन बहुत छोटी थी, ठीक है, विथ मीन्स साथ या वाला भी होता है, छोटी गर्दन वाला भी कह सकते हैं। एंड प्लेन फेस, और साधारण चेहरा। तो कह रहे हैं कि यह विचित्र छोटा प्राणी या बालक, जिसकी गर्दन छोटी थी और चेहरा साधारण था, वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारशील बच्चा था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस, वह देखता था कंपेनियंस वाले साथियों के, तो वह साथियों को देखता था, साथियों के कार्य को हमेशा देखता रहता था।
ऑल द टाइम, हर समय वह अपने साथियों के कार्य को हमेशा देखता था एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स, और बहुत कम ही चीज़ों को अनुमति देता था। टू स्केप, बचने के लिए, हिज नोटिस, अपने ध्यान से, और अपने ध्यान से बच निकलने के लिए बहुत कम ही चीज़ों को अनुमति देता था। फिर अगली लाइन है, सॉक्रेटिस डिड नॉट हैव ए बिग हाउस, सुकरात के पास एक बड़ा घर नहीं था, आर फाइन फर्नीचर, अथवा सुंदर फर्नीचर नहीं था। फर्नीचर मतलब कुर्सी, मेज इत्यादि, मतलब घरेलू वस्तुएं, सोफा वगैरह। तो सुकरात के पास जो है बड़ा घर नहीं था अथवा सुंदर फर्नीचर नहीं था। ही डिड नॉट सीम, उससे ऐसा नहीं लगता था, टू वांट, कि वह चाहता हूँ, आइदर वेल्थ आर ब्यूटीफुल पोजेशन, चाहे वह धन हो या सुंदर वस्तुएं, पोजेशन मीन्स वस्तुएं, उससे ऐसा नहीं लगता था कि वह धन अथवा सुंदर वस्तुएं, इन दोनों में से कोई एक भी चीज चाहता हूँ। आइदर मीन्स होता दोनों में से कोई एक, और आर मीन्स या आइदर आर का अर्थ होता या तो या, ठीक है, तो आप चाहे जैसे आप निकाल सकते हैं। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशन, उससे ऐसा नहीं लगता था कि वह धन या सुंदर वस्तु, इन दोनों में से किसी एक की भी चाहत रखता हो। एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, एज मीन जैसे जैसे मतलब वह जैसे जैसे ग्रीव ओल्डर मतलब बड़ा होता गया, जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, ही बिगेन टू थिंक, वैसे वैसे वह सोचने लगा, ए वेरी लिटिल मतलब बहुत कम सोचने लगा, फॉर बॉडली कम्फर्ट माने शारीरिक आराम के लिए, एंड प्लेजर माने सुख। तो जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वैसे वैसे वह शारीरिक आराम और सुख के बारे में बहुत थोड़ा सा ही सोचने लगा, मतलब वेरी लिटिल बहुत थोड़ा यानी बहुत कम। तो जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वैसे वैसे वह शारीरिक आराम और सुख के बारे में बहुत कम सोचने लगा। ही गेव ऑल हिज माइंड, उसने अपना पूरा ध्यान लगा दिया, टू ऑल उन सभी चीज़ों में, दैट वॉज नोबल, जो श्रेष्ठ थी, ऑनरेबल सम्मानीय थी, एंड जस्ट माने न्यायपूर्ण थी। तो उसने अपना दिमाग, ही गेव हिज माइंड माने उसने अपना दिमाग दिया, मतलब दिमाग लगा दिया, टू ऑल उन सभी चीज़ों में, उसने अपना दिमाग उन सभी चीज़ों में लगा दिया, दैट वॉज नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट, जो श्रेष्ठ सम्मानीय और न्यायपूर्ण थी या उचित थी। अगली लाइन देखते हैं, सॉक्रेटिस वेंट अराउंड द टाउन, सॉक्रेटिस जाता था, सुकरात जाता था अराउंड द टाउन, कस्बे के चारों ओर, अराउंड मीन्स चारों ओर, ऑन फुट माने पैदल ही, सुकरात कस्बे के चारों ओर पैदल ही जाता था, एंड टॉक्ड टू पीपल, और लोगों से बातचीत करता था। सुकरात कस्बे के चारों ओर पैदल ही जाता था और लोगों से बातचीत करता था। द एथेनियंस माने एथेंस के लोग, बिगन टू लुक फार माने तलाश करने लगे थे, तो लुक फार मीन्स होता तलाश करना, हिज फेमिलियर फिगर, उससे परिचित, फिगर माने व्यक्ति, उससे परिचित व्यक्ति तलाश करने लगे थे, इन स्ट्रीट्स माने गलियों में। तो द एथेनियंस एथेंस के लोग, बिगन टू लुक फार हिज फेमिलियर फिगर, उससे परिचित व्यक्ति की तलाश करने लगे थे। फिगर माने व्यक्ति भी होता शक्ल भी होता, उससे परिचित शक्ल या व्यक्ति की तलाश करने लगे थे, इन द स्ट्रीट्स गलियों में। तो एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से कहने लगते थे। तो द एथेनियंस बिगन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, एथेंस के निवासी, एथेंस के लोग उससे परिचित व्यक्ति की तलाश करने लगे और गली में करने लगे उसके उससे परिचित व्यक्ति की तलाश। तो एथेंस के लोग गलियों में उससे परिचित व्यक्ति की तलाश करने लगे और अपने दोस्तों से कहने लगे, एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से कहने लगे, कहा करते थे, क्या कहा करते थे, यस हाँ, अपने दोस्तों से कहते थे, तलाश करने लगे थे और अपने दोस्तों से कहते थे, यस हाँ हाँ, दैट्स सॉक्रेटिस, वह सॉक्रेटिस है, हाँ वह सुकरात है, कम अलॉन्ग मीन्स आओ, साथ साथ आना, कम अलॉन्ग मीन्स आओ, हमारे साथ आओ, एंड टॉक टू हिम, और उससे बातें करें। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, सॉक्रेटिस बिकेम फेमस, सुकरात प्रसिद्ध हो गया एज ए टीचर, एक अध्यापक के रूप में, कुछ समय के बाद सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ही wandered along मतलब वो तो घूमना टहलना, डब्ल्यू ए जब हो रहा था तब आश्चर्य होता, wandered along मतलब along means तो साथ साथ, along the roads माने सड़कों पर, तो along means along the road माने सड़कों पर, तो along का पर भी होता है और किनारे किनारे साथ साथ ही कई अर्थ होते हैं। तो ही wandered माने वह घूमता रहता था along the roads माने सड़कों पर, and stood in the market places, and stood और खड़ा हो जाता था, in the market places माने बाजार के स्थानों पर यानी चौराहे वगैरह पर, तो and stood in the market और बाजार के स्थानों पर खड़ा हो जाता था, talking to anyone, किसी भी व्यक्ति से बात करने लगता था। तो वो जो कह रहे हैं कि ही wandered along the roads, वह सड़कों पर घूमता रहता था, एंड stood इन द मार्केट प्लेसेस, और बाजार के स्थानों या चौराहों पर खड़ा हो जाता था, टॉकिंग टू एनी वन, किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात करने लगता था, हु केयर टू ग्रीट हिम, जो उसका अभिवादन करने का
चिंता करता था, परवाह करता था। हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज, उसके श्रोतागण, लिसनर्स इस बात को सुनने वाले, वर ऑफन कन्फ्यूज, प्रायः भ्रमित हो जाते थे। आफ्टर दे हैड टॉक आर्ग्यूड विथ हिम, आफ्टर मीन्स बाद में, दे हैड आर्ग्यूड विथ हिम, जब वे उससे बहस कर लेते थे, कहने मतलब उससे बहस करने के बाद, आर आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, अथवा अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के बाद। तो कहने मतलब उसके श्रोतागण यानी सुकरात के श्रोतागण यानी बात को सुनने वाले सुकरात को, उससे बात करने के बाद, ठीक है, बात करना मतलब आर्ग्यूड, बहस करना भाई, बहस करना या बाद में बात करना। तो हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज्ड आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विथ हिम, तो उसके श्रोतागण उससे बहस करने के बाद, आर आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, अथवा अपने प्रश्नों को उत्तर पाने के बाद, ऑफन कन्फ्यूज्ड, प्राय क्या हो जाते थे, भ्रमित हो जाते। तो पूरे का अर्थ होगा, उसके श्रोतागण उससे बहस करने के बाद अथवा अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के बाद प्राय भ्रमित हो जाते थे, कन्फ्यूज में भ्रमित होना या परेशान हो जाते थे। सॉक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात अपने देशवासियों को बताया, दैट एवरीवन, कि प्रत्येक व्यक्ति को मस्ट लर्न, सीखना चाहिए, टू थिंक, सोचना, फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए। तो सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के लिए सोचना सीखना चाहिए, सो दैट, ताकि बाय यूजिंग हिज रीजन, अपने तर्क का प्रयोग करके, ताकि अपने तर्क का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर टू सी, ही वुड हैव द पावर, उसमें शक्ति आ सके, टू सी, देखने की, ताकि अपने तर्क का प्रयोग करके, रीजन मींस तर्क या तर्क शक्ति, ताकि अपने तर्क का प्रयोग करके, ही वुड हैव द पावर टू सी, उसमें या देखने की शक्ति आ सके, व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, जस्ट, न्यायपूर्ण है, ट्रू, सत्य है, एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर है, कि क्या सही है, सत्य है, जस्ट मीन्स न्यायपूर्ण या ठीक है। तो व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, जस्ट, न्यायपूर्ण है, एंड ट्रू, सत्य है, एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर है। एंड सो सेफ हिज ओन कंडक्ट, और इसी प्रकार से सेफ माने ढाले, हिज ओन कंडक्ट, अपना आचरण, और इसी प्रकार से अपना आचरण ढाले। ही वांटेड एथेंस, वह एथेंस को चाहता था टू बी, होने के लिए परफेक्ट स्टेट, एक आदर्श राज्य, वह चाहता था एथेंस एक आदर्श राज्य, परफेक्ट मीन्स पूर्ण आदर्श, वह एथेंस को चाहता था कि एक आदर्श राज्य हो जाए। ही टोल्ड एवरीवन, वह प्रत्येक व्यक्ति को बताया, बोथ, दोनों को, प्रत्येक व्यक्ति में दोनों को बताया, हिज पीपल्स, अपने शिष्यों को, एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और अपने अन्य अनुयायियों को, तो अपने शिष्यों और अपने अन्य अनुयायियों, इन दोनों में से प्रत्येक को बताया, दैट दिस कुड ओनली हैपन, कि ऐसा केवल तभी हो सकता है, दिस कुड ओनली हैपन, हैपन मींस होना या घटित होना, ऐसा केवल तभी हो सकता है, इफ एवरी सिटीजन, यदि प्रत्येक नागरिक, एजुकेटेड माने शिक्षित कर लें, हिज ओन माइंड, अपने मस्तिष्क को, टू सी, देखने के लिए, यदि प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को यह देखने के लिए प्रशिक्षित कर लें, व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, एंड नोबल, और श्रेष्ठ है, कि क्या सही और श्रेष्ठ है। ही बिलीव्ड दैट, वह विश्वास करता था कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, क्वेश्चनिंग माने प्रश्न करना, एंड डिस्कसिंग माने वाद विवाद करना या बहस करना, वुड हेल्प देम, उन्हें सहायता करेगा, डू दिस, ऐसा करने में, उसका विश्वास था कि प्रश्न करना और वाद विवाद करना उन्हें ऐसा करने में सहायता करेगा। एंड सो, और इस प्रकार से, ही वाज फॉर एवर टॉकिंग टू देम, वह फॉर एवर माने हमेशा ही, टॉकिंग टू देम, उनसे बातें करता था, इन द ओपन स्ट्रीट्स माने खुली गलियों में, और इस प्रकार से वह हमेशा उनसे खुली गलियों में क्या करता था, बातें कर रहा था। आइए अगली लाइन देखते हैं। व्हेन सॉक्रेटिस, जब सुकरात वाज एन ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी हो गया, जब सुकरात एक बूढ़ा आदमी हो गया यानी बूढ़ा हो गया, हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, तब उसकी ख्याति हैड स्प्रेड, फैल गई, फार एंड वाइड माने दूर दूर तक, तब उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मेनी ए रिच, द हाउस माने घर, ऑफ मेनी ए रिच, कई अमीर लोगों के, रिच मैन माने अमीर लोग, व्यक्ति, कई अमीर व्यक्तियों के घर, ओपन माने खुल गए, इट्स डोर, अपने दरवाजे, टू हिम, उसके लिए। तो कारण मतलब ये, कई अमीर व्यक्ति ने अपने घर के दरवाजे उसके लिए क्या किए, खोल देते थे या खोले रहते थे। तो कई अमीर व्यक्ति अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल रखते थे। फार, क्योंकि, क्यों खोल रखते थे, क्योंकि पीपल फेल्ट ऑनर्ड, क्योंकि लोग फेल्ट ऑनर्ड माने सम्मानित महसूस करते थे, टू हैव, है मिस, रखना ही उसे एज देयर गेस्ट, अपने मेहमान के रूप में, क्योंकि लोग उसे अपने मेहमान के रूप में रखने के लिए सम्मानित महसूस करते थे, उसे अपने मेहमान के रूप में घर पर बुलाए रखने के लिए या घर पर रहने देने के लिए बहुत सम्मानित महसूस करते थे। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, क्योंकि लोग उसे मेहमान के रूप में रखने के लिए बहुत सम्मानित महसूस करते थे। बाय डिग्रीज माने होता थे धीरे धीरे, ए स्पेशल ग्रुप माने एक विशेष समूह, ऑफ पीपल, शिष्यों का, धीरे धीरे शिष्यों का एक विशेष समूह, गैदर्ड अराउंड हिम, उसके चारों ओर गैदर्ड में इकट्ठा हो गया, एंड फॉलोड हिम, और उसका पीछा करने लगा, फॉलोड मतलब पीछा करना, पीछे पीछे जाना। तो कह रहे कि धीरे धीरे
शिष्यों का एक विशेष समूह, ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल, शिष्यों का एक विशेष समूह गैदर्ड अराउंड हिम, उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगा, एंड फॉलोड हिम, और उसके पीछे पीछे जाने लगा, वेयर एवर माने जहां कहीं भी ही वेंट, हुआ जाता था, जहां कहीं भी वह जाता था। तो कहने का मतलब धीरे धीरे शिष्यों का एक विशेष समूह उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया और जहां कहीं भी वह जाता था उसके पीछे पीछे वो लोग जाने लगे। एमंग देम उनमें वाज ए यंग मैन, एक नवयुवक व्यक्ति था कॉल्ड प्लेटो, जिसको प्लेटो कहा जाता था, जिसका नाम प्लेटो था, हु ट्रीजर्ड एवरी वर्ड, जिसने ट्रीजर्ड माने संचित कर लिया, हृदय में संचित करना है, ट्रीजर्ड मींस एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द, विच हिज मास्टर्स अटर, मास्टर अटर, जो उसके गुरु ने अटर मींस कहा, तो जिसने जो भी उसके गुरु ने कहा उस प्रत्येक शब्द को क्या किया, अपने हृदय में संचित कर लिया, ठीक है। फिर हु ट्रीजर्ड एवरी वर्ड, जो प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में संचित कर लिया, विच इज मास्टर एटर, जो कुछ उसके गुरु ने कहा, एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के सालों में बीकेम फेमस एज ए टीचर, एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया, आई सॉक्रेटिस हिमसेल्फ, जितना कि स्वयं सुकरात था, और बाद के सालों में वो भी सुकरात के समान ही एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। लेटर इज बीकेम बीकेम फेमस एज ए टीचर, एक अध्यापक के रूप में उतना प्रसिद्ध हो गया एज सॉक्रेटिस हिमसेल्फ, जितना कि स्वयं सुकरात था। अब यहाँ आपका पहला पार्ट खत्म हो गया, आगे आपको दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू होता है। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि अब अगला पार्ट हम अगले वीडियो में आपको अपलोड करेंगे, तो अब इतना सीखते रहिए, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, और चैनल से जुड़े रहें, ताकि और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को आप ऑन कर दीजिए, घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी आपको वीडियो डालें आपको समय से नोटिफिकेशन मिलती रहे और एक अच्छी तैयारी करते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।